नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। पांच दिनों से गायब ई रिक्शा चालक का शव बलान नदी से बरामद, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। बेगूसराय जिले के मंसूर चक थाना क्षेत्र के तेमुआ गांव स्थित बलान नदी मोइन घाट पर गुरुवार को एक व्यक्ति का शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की पहचान दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के बल्लोचक गांव निवासी गुरन पासवान के 26 वर्षीय पुत्र दिलीप पासवान के रूप में की गई। इस घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक 18 अप्रैल की सुबह अपना ई रिक्शा लेकर भाड़ा कमाने गया था। रात तक वापस नहीं लौटने पर काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई अता पता नहीं चलने के बाद दलसिंह सराय थाना में गुमशुदगी का आवेदन दिया था। परिजनों ने बताया कि उस दिन से हम लोग खोजी कर रहे थे और गुरुवार सुबह एक लाश मिलने की जानकारी होने पर तेमुआन पहुंचे तो शव का शिनाख्त किया गया। परिजनों का आरोप है कि जिसने भाड़ा कर ई रिक्शा ले गया उसी ने हत्या कर दी, नदी में फेंक दी। घटना की सूचना मिलते ही मंसूरचक बछवाड़ा और दलसिंह सराय थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। दलसिंह सराय इंस्पेक्टर सा थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया कि 18 तारीख को परिजनों ने गायब होने का आवेदन दिया था और हम लोगों ने चिरंजीवीपुर सहित अन्य जगहों पर खोजबीन भी की थी और शक के आधार पर नवादा निवासी सुनील सैनी को गिरफ्तार कर लिया था। मंसूरचक थाने के ASI मनोज कुमार सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया। मृतक भाई में अकेले हैं और वो अपने पीछे पत्नी जूली कुमारी और 1.5 वर्षीय पुत्र को छोड़ गए। पिता रेलवे में गैंगमैन का काम करते हैं। पुत्र का शव देखते ही माता पिता पत्नी फफक कर रो रहे हैं। दूध मुंह बच्चे को देख हर एक लोगों के आंखों में आंसू छलकाता था। आइए देखते हैं बेगूसराय जिले के तेगरा अनुमंडल क्षेत्र के मंसूरचक थाना क्षेत्र से सुनील कुमार प्रशांत की ये पूरी रिपोर्ट। ए लड़का इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।